वेलकम बैक। आज ईद का दूसरा दिन है और आज 21 अगस्त 2012 है और आज ट्यूसडे का दिन है। आज जो है वो ईद का दूसरा दिन है, ईद उल फितर का दूसरा दिन है। स्पेशल ट्रांसमिशन पेश की जा रही है, मॉर्निंग टाइम ट्रांसमिशन है। आज कुछ रिकॉर्डिंग एक सुबह एक डे टाइम एक इवनिंग एक टाइम टाइम और एक मिड टाइम टाइम। और ये हम इस सिलसिले में आपको अगर करें, कल मैंने अपना ईमेल एड्रेस चेक किया। जी हाँ, ये हमारा ईमेल एड्रेस यही है alihaz.tv@gmail.com और हमारा एक और ईमेल एड्रेस है alihaz.tv@gmail.com जो अली हैदर टी वी न्यूज़ है। उस बहुत कम मेल्स आई हुई थी, आप लोग मेल नहीं चाहते, आप हमेशा सुने हम अच्छे नहीं लग रहे। बहुत कम मेल्स आई थी और बहुत कम बातें, कोई सजेशन नहीं थी, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं थी। बस यही था कि आपके प्रोग्राम अच्छे हैं, ये है वो। कोई सजेशन नहीं थी, कोई इम्प्रूवमेंट, कोई नई चीज़ डेवलपमेंट की बात नहीं की गई थी। बस तारीफ भी ऐसी की गई थी जो बिल्कुल ठीक की तारीफ भी ऐसी होती है जिसमें कुछ ना कुछ चेंज करने का कहा जाता है, कुछ ना कुछ तब्दीली का कहा जाता है, कुछ ना कुछ दूसरा करने का, नया रंग डालने का कहा जाता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको हमारे प्रोग्राम अच्छे नहीं लग रहे तो फिर आप मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगा। जब आप हमें ईमेल ही नहीं कर सकते तो फिर मैं आपसे कैसे बात करूँ? आप हमें ईमेल क्यों नहीं कर रहे बताइए, बच्चों बताएं। बच्चों कह रहा हूँ मैं आप लोगों को, सबको, आप हमें बताएंगे आप हमें प्रोग्राम क्यों नहीं चले? बच्चों को तो कुछ होश कर आपको लेना चाहिए, बच्चे भी ईमेल नहीं कर सकते। वैसे तो आप हर जगह ईमेल करते रहते हैं, फला स्टूडियो में और यहाँ आप ईमेल नहीं कर सकते। तो बच्चों का तो एक बहुत बड़ा होता है कि वो ईमेल करें। ईद पे आप लोगों ने क्या किया ये भी बताएं, और ये दूसरी ईद वाले दिन आप क्या करेंगे, क्या आपके प्लान हैं, क्या आपकी वो है। मुझे बहुत कम मेल्स आई हुई थी, उसको बताया कि ईद हमारी ठीक की पड़ी, बहुत आराम से गुजरी, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। एक मैं नाराज थी और एक राष्ट्र थी, उसने हमें मेल की थी। उन्होंने कहा कि हमें और एक सियासत था सबने ये कहा कि हमने ईद ऐसे मनाई कि बस कुछ ज़्यादा अच्छे तरीके से ईद नहीं मनाई है और हमारी ईद फीकी पड़ गई, हमने कोई काम वाम नहीं किया। तो मगर हम अब काम करेंगे, आपने जब कह दिया तो हम ज़रूर काम करेंगे और आपके कामों में शिरकत करेंगे। ये बात हुई है और हल अगर उन्होंने ये बात की है हम उसको गाइड करते हैं। उन्होंने ये बात की है बहाल अब मॉर्निंग टाइम ट्रांसमिशन तो वह खत्म हो जाता है। आप हमें बताया जा सकती क्या प्लान्स हैं, आज आप कहाँ जा रहे हैं, क्या रवैया है आपका और ईद का दूसरे दिन किस तरह से सेलिब्रेट करें, इससे हमें आगे करें। हम आगे रहेंगे डे टाइम पर। अल्लाह हाफ़िज़।